अच्छा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। हम लोगों ने लोकल वेरिएबल देख लिए, हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल देख लिए, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ स्टैटिक वेरिएबल। तो हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, अगर हम इसकी डिफाइन करें इसको तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये सिमिलर होता है किस तरह, लोकल वेरिएबल की तरह। ठीक है, बट इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। सेकेंड, अगर इसका पॉइंट लिखें तो कंपाइलर क्रिएट्स मेमोरी when control enters into the function in which it is declared। ठीक है, अब यहां पर देखें ये दोनों काम सेम है। पहली बात ये कि जो स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल है उसी तरह का लोकल वेरिएबल होता है, बट क्या होता है कि जब आप लोगों का जो फंक्शन का कंट्रोल है, ठीक है, जब वो उस फंक्शन से इंटायर फंक्शन से बाहर निकलता है तो लोकल वेरिएबल की जो मेमोरी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या होता है कि वैन द कंट्रोल exits from the function, the memory will not be destroyed। So there is a difference between local and static variable। कि static variable में क्या होता है बेटे, स्टैटिक वेरिएबल में जो आपके पास मेमोरी है वो रिटेन रहती है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल में तो क्या होता है, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो तब उसकी जो स्पेस है कंपाइलर वो आपके लिए क्रिएट कर लेता है। ठीक है, लेकिन लोकल और स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। अब लोकल में क्या होता है, जब फंक्शन की बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल आता है तो आपके पास जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी स्पेस जो है वो बन जाती है। ठीक है, यानी कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक जो है वो बन जाते हैं। जैसे ही वो कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर से निकलता है तो लोकल वेरिएबल की जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो मेमोरी रिटेन की भी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं होता, लोकल की तरह वो क्रिएट लाजमी होते हैं, लेकिन वो एंड कब होते हैं, जब आपके पास प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है, जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता है तब वो डिस्ट्रॉय होता है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसको टेस्ट भी करेंगे कि वो किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। अगर हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं, हमारे पास है एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है टेस्ट। ठीक है, रिटर्न, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वाइड लिखा है। ठीक है, अब दूसरी ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने मेन को स्टार्ट किया और मेन के अंदर हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, टेस्ट, तीन दफ़ा इसको कॉल करते हैं। सो इसकी कॉलिंग हो गई, अब स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी। तो हम लोग लिखेंगे वाइड टेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं ताकि आपको लोकल और स्टैटिक में डिफरेंस पता लग सके। सिमिलर तो है लेकिन डिफरेंस क्या है, इंट ए इज इक्वल्स टू वन आउट ए की वैल्यू प्रिंट हो और नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और फिर क्या हो, ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका मेमोरी भी स्टार्ट करते हैं साथ साथ। अब चलें इसकी आउटपुट स्टार्ट लिखते हैं। अच्छा, अब देखें जब आपके पास कंट्रोल आएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये जाएगा पहले डिक्लेरेशन के पास और डिक्लेरेशन से फिर डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर, ये जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ होता है। यहाँ पर देखें ये मेमोरी क्रिएट हुई तो यहाँ पर आपका एक पोर्शन बना int a। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू है। फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है सी आउट, तो अगर आप सी आउट में देखें
तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या करवा दो, प्रिंट। उसके बाद एंडल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर आ गया। उसके बाद यहाँ पर कहता है ए की वैल्यू को एक प्लस करवा दो, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई है, टू। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर कि क्या हुआ। अब ये लोकल वेरिएबल है, जैसे ये लोकल वेरिएबल है अब यहाँ से ये कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से डायरेक्ट मूव होके कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये एग्जिट हो गया था और उसके बाद दोबारा ये मेन पे वापस आ गया। तो जैसे ही मेन पे वापस आया तो ये नेक्स्ट जो टेस्ट जो दोबारा से कॉलिंग इसकी हुई हुई है वहाँ से ये काम शुरू करेगा। लेकिन एक बात ये देखें कि जैसे ये निकला है यहाँ से, इसका कंट्रोल जो है वो यहाँ से एग्जिट हुआ है, तो यहाँ पर मेमोरी इसकी क्या हो गई है, ये डिस्ट्रॉयड हो गई है, ये मेमोरी इसकी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब देखें ये दोबारा क्या हुआ, ये टेस्ट दोबारा कहाँ पर गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर एक नए सिरे से एक और मेमोरी बनेगी इंट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, ए, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, इनिशियल जो इसकी वैल्यू है वन है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर सी आउट अगेन हुआ और वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पर टू हो गई है और हमने दोबारा से ए प्लस प्लस करवा दिया। ए प्लस प्लस का मतलब ये है ए के अंदर एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो ए की वैल्यू बेटे टू होगी। इसी तरह जब यहाँ से ये दोबारा एग्जिट करके ये दोबारा कंट्रोल आपका यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ है, जब ये कंट्रोल यहाँ पर वापस जाएगा तो ये जो मेमोरी इसने यहाँ पर क्रिएट की हुई थी ये भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। और इसी तरह ये तीसरा सॉरी वन थी, तो यहाँ पर आपके पास वन प्रिंट हुआ। ठीक है, ये क्योंकि इसकी वैल्यू वन थी, इनिशियल वैल्यू वन थी, तो इसने क्या किया, वन प्रिंट किया। उसके बाद ये कंट्रोल दोबारा से एग्जिट हो गया, उसका मतलब ये है कि ये दोबारा से यहाँ पर अपनी पोजिशन पर चला गया। ठीक है, अब जैसे ये दोबारा कॉल होगा तो एक और मेमोरी क्रिएट होगी और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, वन। आगे देखें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपने दोबारा से वन प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही इसको टू करेंगे, लेकिन जैसे ही ये कंट्रोल इसका निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ लोकल वेरिएबल। अब अगर इसको हम स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर यूज़ करें तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी, क्या आपने की वर्ड यूज़ करना है स्टैटिक का। अब स्टैटिक क्या करेगा, स्टैटिक सिर्फ इतना करेगा कि ये जो मेमोरी आपकी डिस्ट्रॉय होने वाला काम है ये ख़त्म कर लेगा, यानी कि उस वैल्यू को आपके पास रिटेन करके रखेगा। कब तक रिटेन करके रखेगा, जब तक आपके पास प्रोग्राम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो आपने क्या करना है, इससे पहले क्या लगा देना है, स्टैटिक। ठीक है, एक कीवर्ड लिखना है स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आप लोगों ने देनी है स्पेस। अगर हम इसके सिंटैक्स पे आएं, सिंटैक्स देख लें, स्टैटिक स्मॉल है, स्टैटिक स्पेस डेटा टाइप वेरिएबल नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और सम इनिशियल वैल्यू। सो ये इसका सिंटैक्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिक और ए की वैल्यू हम लोगों ने रखी है वन। अब इस केस में क्या होगा, मेमोरी थोड़ी सी देख लें, अब इसकी आउटपुट देखें। यहाँ पर तीनों केसेस में वन ही आया, क्योंकि जैसे ये कंट्रोल यहाँ से बाहर निकला था तो ये इस प्लस प्लस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब नए सिरे से ये लूप की बॉडी में सॉरी फंक्शन की बॉडी में दाखिल होगा तो दोबारा से जो है वो ए की वैल्यू जो है वो वन कर देगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिक के केस में क्या होता है, स्टैटिक को ज़रा नोट करिएगा। अब क्या हुआ कि जब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पर आया तो इसने एक मेमोरी क्रिएट की, मेमोरी का नाम हमने रखा हुआ इंट ए, यानी कि डेटा टाइप उसकी इंटीजर है और वेरिएबल का नाम है ए, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वन। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो आपके पास आएगी बेटे वन। अब यहाँ पर ये प्लस प्लस हुआ है तो ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके अब ए की मेमोरी में जो वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है आपके पास टू। यहाँ पर देखें अब ये कंट्रोल वापस गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये कंट्रोल वापस गया अब ये बॉडी जो इसकी मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस स्टैटिक की वजह से। अब जब ये दोबारा वापस आएगा तो ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, ये फिर जो इसकी वैल्यू पड़ी हुई है जो इसने रिटेन की हुई है करंट वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए, तो इसकी करंट वैल्यू जो हमारे पास पड़ी है वो पड़ी हुई है टू। तो इसके बाद ये एक और इसने प्लस किया तो हमारे पास ए की वैल्यू हो गई थ्री। ठीक है, ये तीसरी दफ़ा जब फंक्शन चला तो इसने जो करंट वैल्यू है वो आपके पास पड़ी हुई है थ्री और ए की वैल्यू मेमोरी में होगी है फोर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये अभी भी नहीं ख़त्म होगा, जैसे ही ये गेट सी ए से यहाँ से टर्मिनेट करेगा फिर उसके बाद ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो देयर इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है,
ग्लोबल वेरिएबल में ये होता है कि हम आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करवा सकते हैं, लोकल और स्टैटिक में ये होता है कि ये जहाँ जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ हुआ होता है उसी फंक्शन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं ए यहाँ पर लिखूंगा तो आप यहाँ पर ए को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वेरिएबल का टॉपिक जो है वो अच्छा समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने एक और टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ फंक्शन से रिलेटेड बात चल रही थी, तो पैरामीटर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए, हम लोगों ने फंक्शंस की जो बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर, वो मैं थोड़ी सी डिस्कस करके उसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर मूव करता हूँ। अब देखें आपके पास जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में देखें हम लोगों ने पहला जो डिस्कस किया था टॉपिक, दैट इज सिंपल फंक्शन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज फंक्शन पास बाय वैल्यू, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आज जो हम डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारा करंट टॉपिक चलेगा वो है फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल वैल्यू सिंपल भी पढ़ चुके हैं और पास बाय वैल्यू भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन हैविंग सम रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, कोशिश करूंगा वो एडिशन वाला ही प्रोग्राम करूं ताकि वो एक एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आती रहे। अच्छा, फंक्शन हैविंग रिटर्न वैल्यू, एक चीज़ आप ज़हन में रखेंगे, फंक्शन एनी फंक्शन कैन ओनली बी रिटर्न वन वैल्यू, कि कोई भी फंक्शन है वो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन अ फंक्शन बी रिटर्न, ठीक है। तो एक फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, चाहे वो मेन फंक्शन है, ठीक है, चाहे वो आपके पास कोई आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो वो हमेशा आपके पास एक ही वैल्यू जो है वो आपके पास रिटर्न करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपके पास रिटर्न जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसके लिए जो की वर्ड यूज़ होते हैं हम लोग कहते हैं द कीवर्ड दैट इज यूज्ड इज रिटर्न, ठीक है, दैट इज द कीवर्ड रिटर्न, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल पे जाके बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम को आगे से डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम एक फंक्शन लिखेंगे, लेट्स से के। अच्छा, अब ये फंक्शन हमें बता क्या रहा है, ठीक है। ये जो चीज होती है, ये आपके पास जो शुरू में लिखी हुई है, दैट इज रिटर्न टाइप, दिस इज योर फंक्शन नेम एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सो ये फंक्शन आपका हेडर है और ये टर्मिनेटर है, क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको कहना चाहें तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहां पर देखें, अब इसका मतलब क्या है कि हमने आर्ग्यूमेंट्स, एक तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, जहां पर भी कॉल होगा तो हम इसको दो वैल्यूज देंगे, ठीक है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हम इसको कोई भी दो वैल्यूज देंगे, ठीक है। वो दो वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, वो दो वैल्यूज वेरिएबल भी हो सकती हैं, बट अगर वेरिएबल पास कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि उसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, और अगर आप इसको कोई कांस्टेंट पास कर रहे हैं तो ये भी मस्ट है कि वो कांस्टेंट भी आपके पास इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। और दो आप लोगों ने वेरिएबल्स यहाँ पर पास करने हैं। तीसरी चीज़ जो आपको आज के इस लेक्चर में पता लगेगी कि हैविंग रिटर्न वैल्यू क्या चीज़ है। देखें, अगर आपके पास कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इफ फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, we use the keyword void, कि अगर आपके पास कोई भी जो है वो return type नहीं है। usually हम लोग इससे पहले पहले जितने भी program करते रहे थे तो हम लोगों ने क्या लिखा था, void लिखा था। void का मतलब ये है कि ये program जब भी run होगा तो ये आपको कोई ना कोई value return
नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करा। लेकिन आज हम फंक्शन हैविंग रिटर्न वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा, ठीक है। और कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लोट भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, जितनी भी आपके पास डेटा टाइप है, तो आप उसको बता सकते हैं फंक्शन रन टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पास करेगा, या वो कौन कौन सी वैल्यूज को जो है वो पास कर सकता है, ठीक है। तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं, तो इसको आगे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, लेट्स से के int sum, sum is equals to add, आप देखें दिस इज कॉल्ड कॉलिंग, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम सिंपल फंक्शन को वैसे ही यूज़ करते थे, अभी हमें पता है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर की वैल्यू हम लोगों ने किसको भेज दी है, सम को, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं सी आउट सम इज इक्वल्स टू सम और गेट सी एच। सो ये हमारे पास मेन का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर, तो ये प्रोग्राम इसमें क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल int add int comma int, सो लेट्स से के int a comma int b, यानी कि ये वाली जो फोर वैल्यू है ये रन टाइम पे कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे, और ये वाली जो फोर है ये कहाँ आ जाएगी, b में। यानी कि ये थ्री जो है ये वैल्यू हमने किसको असाइन कर दी, ए को, और ये जो फोर वैल्यू है ये हमने किसको असाइन कर दी, बी को। इसका मतलब है कि दीज आर द लोकल वेरिएबल्स, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू पास कर रहे हैं किसको, फॉर्मल पैरामीटर्स को, ठीक है। और हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखते हैं, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को प्लस करो, ए और बी को प्लस करो। अब ए और बी हैं क्या, ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, थ्री, और बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, फोर। इसका मतलब ये है कि थ्री और फोर को आप लोग क्या करें, प्लस करें, और इसका आंसर आता है सेवन, वो रिटर्न कर दें। कहाँ रिटर्न कर दें, वहाँ रिटर्न करें जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर रिटर्न करे, ठीक है, ये कहाँ पर रिटर्न करे, ये वाली जो रिटर्न चीज़ है ये कहाँ पर करे, जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अब लाइक आपके पास क्या चीज़ है, थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन, तो ये सेवन आपके पास यहाँ पर रिटर्न हो गया। इसका मतलब है ये सेवन हमने किसको असाइन कर दिया, सम को। और अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपके पास सिंपल क्या लिखा हुआ आएगा, सम इज इक्वल्स टू सेवन, सो दैट इज द आउटपुट, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास रिटर्न होगा, फंक्शन जहाँ पर कॉल हुआ होगा, वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पास बाय वैल्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसी को हम रिटर्न वैल्यू से भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल फंक्शन भी हम काफ़ी सारा देख चुके हैं। एडिशन का इसलिए प्रोग्राम लिया है कि ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम से लेके, यानी कि नॉर्मल प्रोग्राम को हमने सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, सिंपल प्रोग्राम से हम लोगों ने उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट किया, सिंपल फंक्शन से हमने उसको फंक्शन पास बाय वैल्यू में कन्वर्ट किया, और आज हमने फंक्शन पास बाय वैल्यू को फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप में भी कन्वर्ट कर दिया। तो आपका कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को सिंपल फंक्शंस में पहले कन्वर्ट करना सीखें। सिंपल फंक्शंस जब आपको आ जाएगा तो आपको पास बाय वैल्यू को कन्वर्ट करना सीखें। पास बाय वैल्यू को आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में वैल्यू को भेज सकते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस जब आप डिक्लेयर करवाते हैं वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने करेक्टर लिखा है और यहाँ पर इंटीजर लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वो आप कोई करेक्टर कांस्टेंट जो है वो भेजेंगे, या फिर ऐसा वेरिएबल भेजेंगे जिसके अंदर कोई ना कोई करेक्टर कांस्टेंट होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर कॉमा नहीं है, एक ही इंट है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल सिर्फ, जो फंक्शन है ये सिर्फ एक ही जो है वो पैरामीटर जो है वो ले रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो सीरीज़ जो है वो पसंद आएगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।